तो भाई हमारे सन्नी पाजी के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। सन्नी पाजी को एक बहुत बड़ी मूवी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग उस मूवी के बारे में जानेंगे तो जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये उस कलाकार के साथ इनकी मूवी है जिनके साथ इनके काफी टाइम से संबंध अच्छे नहीं रहे, और गदर 2 को लेकर भी कुछ बातचीत उनकी बिगड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, पता चल जाएगा सन्नी पाजी को फाइनली कौन सी नई मूवी मिली है, और साथ ही साथ वो कौन सा कलाकार है जो इस पिक्चर के अंदर फर्स्ट पार्ट से लेकर इसके फोर्थ पार्ट तक में लीड हीरो के रोल में रहा है। देखिए वीडियो को दोस्तों। आप लोगों को पता है कि गदर 2 की सक्सेस के बाद सन्नी पाजी के हाथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते जा रहे हैं, बट यहाँ एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जहां अक्षय कुमार के साथ हमारे सन्नी देओल के संबंध काफी अच्छे नहीं चल रहे थे, वहीं अब हमारे अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 यानी हाउसफुल की फ्रेंचाइजी के अंदर हमारे सन्नी पाजी को एक रोल मिल गया है, और रोल भी क्या मिला है ये अभी पता नहीं चल पाया, बट ये डन हो चुका है कि सन्नी पाजी इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। यानी दोस्तों दिलों को थाम लो, क्योंकि बॉबी देओल तो पहले ही हाउसफुल 4 के अंदर एंट्री मार चुके हैं इस हाउसफुल की फ्रेंचाइजी के अंदर, साथ ही साथ अब हमारे सन्नी पाजी भी घुस गए हैं, तो मजा तो जबरदस्त आने वाला है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि 2024 के अंदर हाउसफुल 5 की शूटिंग स्टार्ट होनी है, कहा यह भी जा रहा था पहले कि 2024 के अंदर ही इस पिक्चर को रिलीज करा जाएगा, बट जो मेकर्स हैं उन्होंने सोचा है क्यों ना अभी इस पिक्चर को थोड़ा सा डिले करा जाए और 2025 में से रिलीज करा जाए, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर मल्टी स्टार होने वाले हैं, बड़े बड़े कलाकार होने वाले हैं, तो भैया पिक्चर को जबरदस्त लेवल पर तो दिखाना बनेगा ही ना, क्योंकि पिक्चर एक साल के अंदर कंप्लीट करके या जल्दी जल्दी इसका शूट कंप्लीट करके जल्दी से रिलीज करना काफी हद तक समझदारी नहीं रहने वाली, क्योंकि इस टाइम बॉलीवुड के अंदर वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज आ रही है। 2023 का एंड तो हो ही गया है लगभग, और 2023 के एंड के अंदर आप लोगों ने देखा कितनी सुपर डुपर हिट मूवीज आई, बट अब यहां 2024 के अंदर तो और भी बड़ी बड़ी पिक्चर आने वाली है, और इसी दौरान शुरू हो रहा है हमारे हाउसफुल 5 की शूटिंग का एक दौर, और जब पता चलेगा जब 2025 के अंदर पिक्चरों की लाइन लगेगी और उस दौड़ के अंदर शामिल होगी हाउसफुल 5, क्योंकि इसके अंदर सन्नी देओल भी होंगे, बॉबी देओल भी होंगे, अक्षय कुमार भी होंगे, और साथ ही साथ कुछ और कलाकार भी होंगे। वो कुछ और कलाकार कौन से होने वाले ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाउसफुल की हर फ्रेंचाइजी के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो अलग कलाकार को लिया गया, बट रितेश देशमुख एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक भैया दिखे ही दिखे हैं, तो रितेश देशमुख को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी इस पिक्चर में होने वाले, यानी कॉमेडी तो जबरदस्त लेवल पर दिखने वाली है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप लोग जानते ही हैं कि गदर 2 और OMG 2 एक साथ रिलीज हुई थी, जिसको लेकर सन्नी पाजी ने हमारे अक्षय कुमार को फोन भी करा था कि भाई आप अपनी मूवी को डिले कर दो, आगे बढ़ा दो इसकी, और इसको आगे रिलीज कर दो, थोड़े दिन बाद रिलीज कर दो, बट अक्षय कुमार ने क्लियरली मना कर दिया था। उसके बावजूद भी जब सन्नी पाजी को यह मूवी ऑफर हुई तो सन्नी देओल ने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत ही इस मूवी के लिए हामी भर दी, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारी आपस में संबंध किस तरह के रहे हैं। गदर 2 की सक्सेस पार्टी में भी अक्षय कुमार नहीं आए थे, उसके बावजूद भी सन्नी देओल ने प्रॉपरली सब चीजों को भुलाकर आगे हाथ बढ़ा दिया एक दोस्ती का। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस मूवी में हमारे सन्नी पाजी कितने बड़े लेवल पर कॉमेडी करते नजर आने वाले, साथ ही साथ सन्नी पाजी को क्या रोल दिया जाएगा, क्योंकि भैया सन्नी देओल है तो पिक्चर के अंदर जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सन्नी देओल है और बिना एक्शन की मूवी हो ही नहीं सकती यार। गदर 2 उठा लो, गदर उठा लो, बॉर्डर 2 आने वाली है वो उठा लो, या फिर अगर हम बात करें रामायण की तो रामायण में भी एक्शन सीन्स तो होंगे ना, क्यों नहीं होंगे भैया, युद्ध होगा तो युद्ध के अंदर लड़ाई के अंदर वो चीजें तो दिखाई जाएंगी ही जाएंगी, और साथ ही साथ अगर बात करें हम सन ऑफ सरदार 2 की सन्नी बाजी की तो सन ऑफ सरदार 2 के अंदर भी वो एक्शन सीन्स मिलेंगे, साथ ही साथ साउथ की और मूवीज जिन प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है, जिन प्रोजेक्ट को साइन कर लिया गया सन्नी देओल के साथ, उनमें भी एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, और ये बंदा वैसे भी एक्शन सीन्स के लिए पहचाना जाता है। तो देखने वाली बात तो ये होगी कि हाउसफुल 5 के अंदर ये कितना गदर ढाएंगे और कितना कहर मचाएंगे। वैसे दोस्तों एक बात तो है, सनी देओल की गदर 2 क्या हिट हुई उसके बाद उन्हें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, प्रोजेक्ट्स भी इतनी भारी भरकम मात्रा में मिलने शुरू हुए कि अब इंडस्ट्री ने पूरी तरह मान लिया और पूरी तरह जान लिया कि इस इंडस्ट्री जो थी ये सनी देओल के बिना अधूरी चल रही थी। 2022 के पैंडेमिक के बाद जब फर्स्ट पैंडेमिक हुआ था, हम सब ने देखा किस तरह इंडस्ट्री पूरी तरह पिट गई थी। एक तो बायकॉट कल्चर का शिकार हुआ था पूरा का पूरा बॉलीवुड, और बहुत बुरी तरह ये बायकॉट कल्चर हानि पहुंचा रहा था बॉलीवुड को। साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म आ गया, तो OTT प्लेटफॉर्म ने काफी ज्यादा बॉलीवुड के थिएटर्स पे वो कहते हैं ना एक तरह से प्रहार करा, एक तरीके से एक्शन करा और उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। बट देखने वाली बात ये थी कि जब ब्रह्मास्त्र मूवी आई
और उसके बाद कुछ बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवीज रिलीज हुई, जैसे पठान हुई, गदर 2 हुई, तो इन्होंने काफी ज्यादा संभाला पूरे बॉलीवुड को। और यही पिक्चर एक ऐसी पिक्चर बन के सामने आई जो कि पूरी तरीके से संजीवनी साबित हुई बॉलीवुड के अंदर। साथ ही साथ यहां सन्नी देओल ने गदर 2 को लाकर एक ऐसा, वो कहते हैं ना, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया और एक ऐसी चीज करके दिखा दी जो आज तक किसी ने भी नहीं करी। एक मूवी के सीक्वल को इतने बड़े लेवल पर दिखा डाला, इतने बड़े लेवल पर उसका कलेक्शन कर डाला, 650 करोड़ के पार का कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखा दी। और सन्नी देओल ने एक मिसाल कायम कर दी और बता दिया कि भाई ऐसा नहीं है जो इंडस्ट्री में अभी काम नहीं कर रहे या जिन्हें काम नहीं मिल रहा, अगर उन्हें काम मिलेगा तो उनकी पिक्चरें नहीं चलेंगी, चलेंगी और किस कदर चलेंगी आप मेरी गदर 2 देखकर आइडिया लगा सकते हो। और लिटरली डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स ने इस बात का आइडिया लगा लिया जरूर देखकर गदर 2 की सक्सेस को। अब देखने वाली बात तो यह है कि जितनी भी बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें हैं और उनके सीक्वल्स बन रहे हैं जो ऑफर हो रही है हमारे सन्नी बाजी को, ये कितना कमाल मचाएगी। लोगों का कहना ये भी है और लोगों की डिमांड भी है, और साथ ही साथ जो सन्नी देओल के फैंस हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई अब घातक 2 आनी चाहिए, दामिनी 2 आनी चाहिए, और भी इनकी सुपरहिट मूवीज है, जीत 2 आनी चाहिए, डर 2 आनी चाहिए, इन पिक्चरों के अंदर भी हमारे सन्नी पाजी को एक सन्नी पाजी का रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ सन्नी पाजी दोबारा से कम बैक करना चाहिए, इन पिक्चरों के साथ इनका सीक्वल लेके आना चाहिए और उन पिक्चरों को भी बड़े लेवल पर दिखाया जाना चाहिए। जिनमें कुछ पिक्चरों पर बातचीत चल रही है, इसमें घातक 2 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैंने आप लोगों को बताया भी है, जिसको लेकर काफी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये जो आने वाला 2024 है 25 है, ये पूरी तरीके से सन्नी देओल का नाम हो, क्योंकि 2023 के अंदर हमने देखा किंग खान ने पूरा 2023 को हाईजैक करा था और हाईजैक करने में वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी रहे हैं। पठान, जवान और फिर उनकी पिक्चर डंकी, ये तीनों पिक्चर उनकी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इन्होंने दिखा दिया 4 साल बाद जब कम बैक करा शाहरुख खान ने कि किंग तो मैं ही हूँ, राजा तो मैं ही हूँ, बट यहाँ पे गदर 2 जैसी पिक्चर लाके भी सन्नी देओल ने एक अलग ही तरह का प्रिंसिपल ला दिया, प्रिंसिपल बना दिया कि भाई पिक्चर का सीक्वल जो बनता है वो इतना ज्यादा बड़े लेवल पे कमाई नहीं करता, बट मेरी पिक्चर ऐसी है जो सीक्वल आने के बाद भी इतनी बड़े लेवल पे कमाई करके जिसने दिखा दिया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कॉमेडी सीन्स के अंदर हमारे हाउसफुल 5 के अंदर अक्षय कुमार के साथ इनकी जोड़ी कैसी बनेगी, क्या ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, जैसे कि हमने देखा था जॉन अब्राहम और हमारे अक्षय कुमार को हाउसफुल 2 के अंदर, कि ये दोनों एक दूसरे के फाइटर्स होते हैं, कॉलेज टाइम में इनकी लड़ाई हो जाती है आपसी के अंदर और जिसकी वजह से इनके थोड़े संबंध बिगड़ जाते हैं लड़कियों के पीछे और फिर बाद में एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं और फाइनली एक जगह फाइट करते करते ये बीच पे पहुंचते हैं, बीच पे फाइट करते हैं और फाइट करते करते इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है हमें हाउसफुल में, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। पर देखने वाली बात तो ये होगी कि सन्नी देओल इस पिक्चर के अंदर किस तरह मिर्च मसाला डालेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जल्द ही इस पिक्चर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है कि इसके अंदर सन्नी देओल है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस मूवी में सन्नी देओल है, क्योंकि टोटल पेपर वर्क तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, बस मीडिया में ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है वो अभी तक नहीं करी गई है और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जल्दी अनाउंसमेंट करी जा सकती है। यानी एक बात ये देख सकते हैं हम और ये कह भी सकते हैं कि भाई हाउसफुल 5 के अंदर बॉबी देओल और सन्नी देओल जबरदस्त किरदार में नजर आने वाले हैं और शायद हाउसफुल 5 का जो पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना, लाइमलाइट जो होगी वो बॉबी देओल और सन्नी देओल ही ले जाएंगे, यानी देओल परिवार ही ले जाएगा। अक्षय कुमार पे काफी ज्यादा इस पिक्चर का प्रभाव पड़ सकता है, लीड हीरो तो अक्षय कुमार ही होंगे, यहाँ पे एक साइड रोल मिल सकता है सन्नी देओल को। और बॉबी देओल का भी लुक आप लोग जानते हैं इस पिक्चर में क्या है और सीन क्या होने वाला है, क्योंकि हाउसफुल 4 जिसने देखी है वो आइडिया लगा सकता है कि हाउसफुल 5 में बॉबी देओल को क्या रोल मिलेगा। तो भाई अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पिक्चर कितने बड़े लेवल पर कामयाब होती है और 2025 में इसे कब रिलीज करा जाता है। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों से यही जानना चाहूंगा, पिक्चर को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, पिक्चर कितने बड़े लेवल पर सुपर डुपर हिट होने वाली है, साथ ही साथ सन्नी देओल इस मूवी के अंदर होने वाले तो ये कितनी बड़ी और ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात को देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।